हम सूर्य देव भगवान के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि का अंधकार मिटाने ये तो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सूर्य देव भगवान के तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि का अंधकार मिटाने ये तो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस ब्रह्मांड में जब कुछ ना था, सृष्टि शून्य थी। ब्रह्मा जी ने आकर के सृष्टि की रचना की। सबसे पहले उनके मुख से ओम शब्द निकला। एक प्रकाश ने जन्म लिया है जो था बड़ा उजला। विकसित हुआ है वो प्रकाश तो दूर हुआ अंधकार। सूर्य देव के रूप में ले लिया उसने फिर आकार। ब्रह्मा जी ने उसके बाद है चारों वेद बनाए। फिर उनके हाथों जीवों की रचना हो जाए। रचयिता सृष्टि के ब्रह्मा जी माने जाते हैं। आप अस्त हो शाम। आप बिना ना किसी का जीवन हो सकता साकार। प्राणियों के जीवन का भगवान आप ही हैं आधार। साकार देवता इस सृष्टि में माने जाते हैं। साक्षात दर्शन जिनके हम सब कर ही पाते हैं। महर्षि कश्यप की संतान भी आप कहाए हैं। वेदों में वर्णन मिलता इसकी भी कथाएं हैं। आओ भक्तों वही कथा अब तुम्हें सुनाते हैं। पुत्र मरीचि हुए महान और जिनकी पत्नी का भक्तों कला बताए ना। महर्षि कश्यप मरीचि और कला की है संतान। वेद पुराणों के ज्ञाता है ऋषि वो बड़े महान। दक्ष प्रजापति के घर में है 84 कन्याएं। महर्षि कश्यप जिनमें से 17 को ब्याह के लाए। द्वितीय अदिति महर्षि कश्यप की ही पत्नियां हैं। अदिति गर्भ से सूर्य देव का कहते हैं जन्म हुआ है।
कैसे इनके पुत्र बने हम तुम्हें बताते हैं। संग्राम है ऐसा हुआ, देवता हार गए हैं, युद्ध दैत्यों ने जीत लिया। अदिति के पुत्रों को दैत्यों ने बंदी बनाया, कोई देवता भी उनको ना मुक्त करा पाया। माता अदिति ने एक दिन जब सूर्य देव को देखा, होना चाहिए पुत्र मेरा ऐसा ही कोई सोचा। माता अदिति सूर्य देव की लगी तपस्या करने, ध्यान लगा कर बैठी अपना लगी है नाम सिमरने। सूर्य देव उनके तप से प्रसन्न हो जाते हैं। दिए उन्होंने माँ अदिति को साक्षात दर्शन, बोले उनसे सूर्य देव के मांगो कोई वरदान। माता अदिति बोली मेरी आप बने संतान, संतान रूप में आने का उनको वरदान दिया। सुषुम्न नाड़ी द्वारा गर्भ में है प्रवेश किया। सूर्य देवता जिस दिन से है उनके गर्भ में आए, चंद्रायण व्रत माता पालन करती ही जाए। महर्षि कश्यप इतना जान क्रोधित हो जाते हैं। कश्यप बोले के जो तुम हो व्रत निभाती, गर्भ में है संतान तुम्हारे, क्या उसे मारना चाहती। माँ अदिति ने सोचा इनका ठीक ही है कहना, किंतु चंद्रायण व्रतों का पालन भी करना। चंद्रायण व्रत करने में भी छोड़ नहीं सकती, माँ का फर्ज है पूरा करना और करनी है भक्ति। सोच समझ कर निर्णय माँ ने फिर तो एक लिया, सूर्य देव को अपने गर्भ से उन्होंने बाहर किया। विवस्वान के नाम से ये तो जाने जाते हैं।
बतलाया। आपके सब भाइयों को है दैत्यों ने बंदी बनाया। जाकर अपने भाइयों को तुम कैद से मुक्त कराओ। अहंकार हुआ बड़ा ही उनको अहंकार को मिटाओ। सात घोड़ों के रथ के ऊपर जब वो हुए सवार, सूर्य देव ने दैत्यों को जा करके दिया ललकार। दानव उनके तेज के आगे टिक नहीं पाते हैं। माता के पुत्रों को कैद से मुक्त कराया। देख के उनकी शक्ति प्रसन्न हुई है अदिति माँ। सूर्य देव को सभी ग्रहों का स्वामी दिया बना। सभी ग्रहों में तब से हुआ है इनका उत्तम स्थान। ग्रहों के स्वामी सूर्य देव है जाने सकल जहान। ऋषि कश्यप के पास में फिर तो विश्वकर्मा जी आए। बोले अपनी पुत्री का हम विवाह संदेश लाए। पुत्री मेरी संज्ञा देवी वो उन्हें बताते हैं। संतान प्राप्त की फिर तो चाह। सूर्य देव बड़े तेजवान और संज्ञा बड़ी कोमल है। ताप सहन ना कर पाए वो दुख सहती हर पल है। तेज सहन ना सूर्य देव का उनसे हो पाए। किंतु पत्नी धर्म को अपने संज्ञा रही निभाए। सूर्य देव और संज्ञा को है तीन हुई संतान। वैवस्वत मनु धर्म राज पुत्री का यमी है नाम। दो पुत्र और एक पुत्री संज्ञा से पाते हैं। नाव भी कर पाती लगी सोचने तेज यदि कुछ इनका कम हो जाए। करके तपस्या अपने तेज को मैं भी लूंगी बढ़ाए। बना दी है संज्ञा देवी ने अपनी एक परछाई और तपस्या करने को खुद वन में चली आई। तेज बढ़ाना है अपना ये सोच रही है मन में।
करने घोर तपस्या, संज्ञा बैठ गई है वन में। सूर्य देव इस भेद को किंतु जान न पाते हैं। सावर्णी मनु पुत्री का भद्राना, छाया कारण शनि देव का हुआ रंग काला। सूर्य देव की क्रोध की फिर तो भड़क गई ज्वाला। शनि देव को पुत्र रूप में नहीं अपनाया है, शनि देव को अपने पिता पर क्रोध बढ़ाया है। वक्र दृष्टि डाली, सूर्य का तेज ही छीन लिया। सारी ही सृष्टि में फिर तो है अंधकार हुआ। भोलेनाथ फिर आपस का मतभेद मिटाते हैं। जान लिया कहाँ है संज्ञा देवी, उन्होंने छाया से पूछा। बोली छाया वो तप करने वन में चली गई। सूर्य देव उन्हें खोजते खोजते चले आए हैं वहीं। संज्ञा देवी ने अपना है अश्वनी रूप बनाया। अश्व रूप में सूर्य देव का उनसे मिलन हो पाया। उनसे भी तो पुत्र हुए हैं अश्वनी और कुमार। और भी हुआ विस्तृत भक्तों सूर्य देव परिवार। अश्वनी और कुमार वैद्य फिर तो बन जाते हैं। माने जाते हैं साखा, वेद पुराण भी इनकी महिमा करते सदा बखान। ऋषि मुनि और मानव करते प्रातः काल प्रणाम। बड़ा अलौकिक तेज है इनका, बड़ा ही वैभव है। इनके बिना तो नहीं किसी का जीवन संभव है। प्रातः काल उठ करके इनका करना चाहिए ध्यान। तेज तपस्या शक्ति मिलती और मिलता है ज्ञान। ऐसे देव हैं जिनके रोज दर्शन कर पाते हैं।
सो दशरथ अजर बिहारी। सब संता राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ पंच
कुछ रचाया, रघुवर को वन में भिजवाया। भक्ति में प्राण गवाए।
भिखाए सुग्रीव के सन्मुख लाए दिलाए सुग्रीव ने सेना भिजवाए सिया की सुधि भी पाए लंका जलाए श्री हनुमान राम सिया राम जय जय राम ओ सेतु बांध लंका में आए मेघनाथ ने तीर चलाए संजी वन ले आए और बचाए लखन के प्राण राम सिया राम जय जय राम ओ अहिरावण ने खेल रचाया राम लखन को पाताल लाया में बांधे श्री हनुमत ने नभ थे लांघे सारे फंद छुड़ाए राम लखन के प्राण बचाए रघुवर ने चलाए
पापी रावण मार गिराए। भाव के सागर कारी जग उपकारी। साजे अधर पे मुरली आपके बाजे पे मुस्कान है प्यारी। मिटाए नारायण अवतार धराए सुनाऊं कृष्ण की लीला मैं बतलाऊं। राजा बहन देवकी के ब्याह मिलागा डोली विदावो कर
चकराया समझाया हम देंगे तुमको संतान कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ जो भी सब संतान तुझको हम सारी सौंपेंगे मरवाया सारे जग के वाली रचाई चमत्कार होते थे तमाम कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ ताले सो गए सारे पहरे वाले लिया लिटाई चल पड़े लेके हरि का नाम कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ आंधी
थी वो कारी अंधियारी। कंस ने मथुरा में बोला
कृष्ण माया, उसका कोबड़ पल में मिटाया। बुलाए उसको पल में भूमि गिराए। कर दिया उसका काम तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ पिता को मुक्त कराया, उग्रसेन को राज्य लौटाया। कन्हैया